दोबारा कर देगा नॉकआउट। इंतजार में है क्लच गॉड रिवाइवल दे या ना दे, इसी सोच में वो फंस चुके हैं। बैक ऑफ करने में उनको मजबूर किया जाएगा। सेल्सियस के पास कंपाउंड का कवर रहेगा, लेकिन जॉनथन का ऑफ एंगल वो बहुत ज्यादा फायदे में वेनम को यहाँ पे किया गया है नॉकआउट। गॉड लाइक दे आर स्टिल फाइटिंग, ये आखिरी फाइट है एक 4v4 की। या एक बढ़िया पोजिशनिंग देखने को मिल रही है, बट शैडो वहां पर वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया जाएगा। एक 4v3 की बैटल हमें यहां पर देखने को मिलती हुई, और देखना ये है कि आखिर किसके फेवर में जा सकती है फाइट। बट आप जॉनसन को देखिए, एक लौता खिलाड़ी जो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे, एक बढ़िया पोजिशनिंग उनके पास मौजूद है। सी गॉड स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, दिक्कत ये कि सेल्सियस बहुत ही कन्फाइंड एरिया में है। भाई टीम गॉडलाइक की बात करें, उनका एक बड़ा स्प्लिट देखने को मिल रहा है, बट अगेन वो मैन एडवांटेज जो है वो अभी भी टीम सेल्सियस के पास ही मौजूद रहने वाले। और ऐसे में इस चिकन डिनर के प्रबल दावेदार टीम सेल्सियस फॉर श्योर। देखिए जॉनथन का पोजीशन तो जरूर अच्छा रहेगा, लेकिन फ्यूरी बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। डीजे से आने की कोशिश, इंस्टेंटली जॉनथन उनको रोकते हुए नजर आएंगे। फैंटम पीछे जरूर मौजूद थे, लेकिन कवर फायर नहीं आया है। सीगॉड है हायर ग्राउंड पे मौजूद, जॉनथन को बस एंगल्स होल्ड करने हैं, लेफ्ट हैंड साइड फ्लैंक संभालना है, जोन का बहुत बड़ा फायदा लेके गॉडलाइक अभी खेल रही है इस मैच में। आल्टू रोकने की कोशिश सीगॉड की, लाला पीक करते हैं, डैमेज करेगा, लेकिन आल्टू का ट्रेड जरूर आएगा सीगॉड के द्वारा। फैंटम को भी कर दिया गया है नॉकआउट। जॉनथन वो रुक नहीं रहे हैं, आखिरी प्लेयर वेनम के ऊपर आ जाती है जिम्मेदारी। एक 1v2 सिचुएशन, जॉनथन एंड सीगॉड वर्सेस सेल्सियस के वेनम रिवाइवल। क्या दे सकते हैं वो, क्या वो क्लच कर सकते हैं इस 1v2 को? अभी मोमेंटम है, पुश करने की कोशिश, जॉनथन आ रहे हैं पीछे से, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वेनम एक 1v1 अगेंस्ट जॉनथन, कौन लेके जाएगा? इट इज जॉनथन हु क्लचेस।